श्री राधा अष्टमी का पावन अवसर श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर बाबा बालकनाथ नगर जालंधर में बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया। इस पर मंदिर के प्रधान महेश गुप्ता ने बताया कि श्री राधा अष्टमी के शुभ दिवस पर दिन में 12 बजे ठाकुर श्री राधा वृंदेश देव जी का दिव्य अभिषेक पुष्पों द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष में केवल इसी दिन श्री राधा रानी जी के चरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दौरान श्री राधा रानी जी के पावन चरण दर्शन पाकर भक्त वृंद निहाल हो गए। इस अवसर पर महिलाओं को राधा रानी के श्रृंगार का सामान एवं बच्चों को टॉफियां भी बांटी गई, जिसके बाद संध्या के समय राघव कपूर और देवेश कृष्ण ने राधा रानी जी का बधाई गायन एवं मधुर भजनों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। उपस्थित महिलाओं ने डांडिया करते हुए ठाकुराइन को राधा अष्टमी की बधाई दी व ठाकुर जी के चरणों के पुष्प प्रसादी रूप में भक्तों पर बरसाए। ठाकुर जी की शयन आरती के साथ उत्सव को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर महेश गुप्ता, बॉबी खन्ना, हरीश महेंद्रू, दिनेश पुरी, जुगल मल्होत्रा, अशोक हांडा, रामकुमार खन्ना, ललित अग्रवाल, सुनील सचदेवा, रशपाल काटल, नीरज कोहली, पुनीत अग्रवाल, अमन गुप्ता, मुकुल, हरित गुप्ता, विशाल गुप्ता, कालीचरण सिंगला, सौरभ बांसल, अनीत सागर चावला, यंकिल, पंडित अशोक मिश्रा, तीरथ, अंजुल तिवारी, सविता वधवा, ममता गुप्ता, किरण हांडा, अभिलाष मल्होत्रा, किरण सचदेवा, रेणुका महेंद्रू, स्मृति शर्मा, शिवानी पुरी, उर्मिल काटल, संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, अभिलाष महोत्रा, सुदेश, पूनम बाहरी, अनुपुरी, रचना ठाकुर, नितिका महेंद्रू, किरण चावला, सविता मिश्रा, चाहत बाहरी, सविता गुप्ता, बब्बू, बलबीर कौर, उषा सहित कई गणमान्य लोग भी ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने हेतु शामिल हुए। जालंधर से कैमरामैन जतिन के साथ खुशदीप सेठी की रिपोर्ट। श्री विजय किशन गोस्वामी जी महाराज सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में आज राधा जी का जन्मदिन राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर राघव कपूर जी ने जो भजन गायन किया है, जो राधा जी की स्तुति की है, वो सुनने लायक थी और जिससे सब भक्त जो है मंत्रमुग्ध हो गए। और उसके बाद दिवेश जी जो वृंदावन से आए थे, उन्होंने भी आखिर में हाजिरी लगाई और सभी को बहुत बहुत बधाई दी। हमारे पूज्य महाराज श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी की कृपा एवं ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज सभी परिकर वालों ने मिलकर के राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया। सुबह प्रातःकाल श्रृंगार हुआ, उसके बाद दोपहर में 12 बजे फूलों के द्वारा सभी परिकर के सानिध्य में परिकर के द्वारा राधा रानी का अभिषेक हुआ और शाम को 6 से 9 संकीर्तन हुआ, जिसमें बहुत अधिक संख्या में भक्तों ने भाग लिया, संकीर्तन किया, राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये हमारा मंदिर ठाकुर श्री राधा विंदेश जू
जो है वो राधा रमन पद्धति से, जो वृंदावन में ठाकुर श्री राधा रमन जी विराजमान है उन्हीं की पद्धति से, पूजा पद्धति से यहाँ पर नियम सेवा किया जाता है। सात प्रकार की आरती और जिस तरह उनको भोग लगाया जाता है वो सब राधा रमन जी की ही भांति सेवा को हम चला रहे हैं। श्री राधा वृंदेश जी मंदिर में राधा अष्टमी जी का अभिषेक सुबह हुआ, फूलों से देखने योग्य था। उसके बाद शाम को 6 बजे से 9 बजे तक संकीर्तन हरिनाम राघव कपूर जी द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों द्वारा सुनने को मिला। ठाकुर जी की अपार कृपा है इस मंदिर पे, जिसमें खूब रौनक लगी हुई है। उसके बाद वृंदावन से स्पेशल देवेश कृष्ण जी पधारे, उन्होंने भी अपने मंत्रों से सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। राधा वृंदेश जी के प्रांगण से खड़े मैं सबको आज राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की बधाई देता हूँ। हलचल के माध्यम से ये सभी लोगों को दर्शन भी कर रहे हैं, राधा वृंदेश जी हमारे पास हैं। आज सुबह राधा रानी का मंत्रोच्चारण के साथ, घंटा ध्वनि के साथ फूलों से अभिषेक हुआ और सारे हमारे ट्रस्ट के सदस्य, सारे भक्तजन उन्होंने आनंद लिया। शाम को 6 से 9 संकीर्तन हुआ, जिसमें राघव कपूर जी और ख़ास तौर से वृंदावन से आए देवेश कृष्ण जी ने भजनों से सबको मंत्रमुग्ध किया और सब ने डांडिया से अपना नृत्य भी किया, खूब आनंद लिया, क्योंकि आज राधा रानी जो है हमारी सबकी महारानी है।